साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथ एक बात साथियों आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आपसे मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप नीचे कमेंट भी डालिए। जी हां साथियों, और ख़ास तौर से भाई फेसबुक वाले भी कमेंट करें, क्योंकि यार मुझे एक्चुअली में होता क्या है कि हम जो भी मुद्दे उठाते हैं वो धरातल से जुड़े हुए एविडेंस के आधार पे होते हैं। आपको पता है यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं, एडवोकेट हूँ इसका मतलब ये हो गया कि मैं सबूत के आधार पे बात करूँ। जी हाँ, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं आज तक, कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, उसमें अगर साथ में एविडेंस नहीं लगाया हो, हर वीडियो के साथ में एविडेंस मैं लगाता हूँ ताकि आपको सच्चाई का सामना आप कर सको। राजस्थान सरकार में या राजस्थान में अच्छी सुविधाएं आप विदेश वालों को आने के लिए मिली, वो भी मैंने बताई। अगर कुछ के साथ कुछ समस्याएं प्रॉब्लम आई वो भी मैंने बताई। कल की डेट में एक मैंने वीडियो डाला था, आपने अभी बहुत सारे कम लोगों ने देखा है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। विदेश से लौटे बेहतर श्रमिकों को निजी क्वारंटाइन सेंटर में किया गया क्वारंटाइन, खराब खाना, इससे रिलेटेड वीडियो था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। जी हाँ साथियों, 6 जुलाई की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। जी हाँ, और ये बंदा एक पवन कुमार सिन्ही नाम का था, इन्होंने कमेंट किया, आप देख सकते हैं साइड में कमेंट भी आपको आ रहा होगा। एक वीडियो बनाया था साथियों, उसमें घटिया क्वालिटी का खाना मिल रहा था, क्वारंटाइन सेंटर सीकर की बात है ये, ठीक है, और उसमें उनको 19 घंटे तक खाना नहीं दिया गया, बच्चे भी उसमें शामिल थे। लोगों ने क्यों सीकर के थे तो आसपास के लोग हो गए लगभग, तो उन्होंने अपने घर से खाना बनवाया। ये दैनिक भास्कर की 6 जुलाई की रिपोर्ट है। अब भाई दैनिक भास्कर इंटरनेशनल अखबार को तो मत मानो, लेकिन नेशनल अखबार तो दैनिक भास्कर है, और बाकायदा इसमें पूरा एविडेंस के साथ वीडियो मैंने बनाया, दैनिक भास्कर की अखबार की कटिंग लगाई, और आप 6 जुलाई का सीकर पत्रिका देख सकते हैं कोई भी उठा के, उसमें ये न्यूज़ छपी हुई है। और उस न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि देखिए विदेश से लोग आए, 2 गाड़ियों में यहाँ पे क्वारंटाइन किया, 19 घंटे तक उनको खाना पीना नहीं दिया गया, बच्चे भी शामिल थे, तो एक भक्त उनमें से निकल गया, पवन कुमार सिन्ही, इन्होंने ये बोल दिया, ले भाई आपने सरकार का नाम कैसे ले दिया, गहलोत जी का नाम आपने कैसे ले दिया। ये पवन कुमार सिन्ही जी ने मुझे मैसेज किया और आपको मैं सुना देता हूँ। गाली भी उन्होंने करी, इसको ये नहीं पता सोशल मीडिया पे गाली देने में कौन सी धारा लगती है, कितने साल की सज़ा होती है, इसको इस बात का पता नहीं है, क्योंकि ये कुवैत में मजदूरी करता है, ठीक है। तू साला एकदम झूठ बोल रहा है, हम विदेश से आए हैं, राजस्थान की सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाना पीना ट्रेवलिंग सब फ्री है। अब आप राजस्थान वाले भाई नीचे कमेंट करना कि ट्रेवलिंग फ्री है, जबकि मेरे पास 10 लोगों की ऐसी एविडेंस पड़ी है कि होटल से लेके क्वारंटाइन सेंटर तक 500 रुपये आपसे किराया लिया गया है, ये रसीद उन्होंने काट के दी है टूरिज्म विभाग की तरफ से, ठीक है। और खाने की प्रॉब्लम के कितने वीडियो पड़े हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाए, हाँ कुछ लोगों के अच्छी व्यवस्था है उनका भी मैंने वीडियो बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने एक ही तरफ जो अच्छे हैं उनका भी बनाया, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं गाली गलौज जो वैसे भी मैंने बनाए, लेकिन इसको पवन कुमार को इतनी ये बात चुभ गई कि जी के खिलाफ आपने गलत कैसे बोल दिया। एक भाई ने नीचे कमेंट भी किया कि यार चलो उनको जाने दो, मैंने इसको ये बोला भाई तूने गाली दिया कमेंट में, मैं तेरे खिलाफ वीडियो बनाऊं के सोशल मीडिया पे डालूंगा ताकि तू लोगों को गाली ना दे सके। तो इसने क्या बोला, अगर तुम्हारा वीडियो बनाकर फेसबुक पे डाला तो देख फिर तू जेल की हवा खाएगा, तू राजस्थान के सीएम गहलोत के बारे में भी झूठ बदनामी करता है, तेरा ये सब वीडियो गहलोत जी के पास भेजूंगा। यार ये तो मरवाएगा मुझे, जान से मरवा देगा इस हिसाब से। तो गहलोत जी के पास ये सिन्ही साहब हैं, इनके अब डायरेक्ट पहुंच है, पता नहीं क्या है। अब इसी बेवकूफ इंसान को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया होती किस लिए है, सोशल मीडिया होती है मुद्दे उठाने के लिए, उसमें सही मुद्दे कौन से होते हैं, जो गलत हो रहे हैं उसी को वही मुद्दा होता है, सही होता है वो तो मुद्दा होता ही नहीं है, जो गलत हो रहा है लोगों की प्रॉब्लम हो रही है उस आवाज़ को उठाया जाता है ताकि उसमें समाधान हो। लेकिन नहीं जी, इस आदमी ने आपके जो बेहतर लोगों ने बेहतर लोग थे उनमें से काफ़ी लोगों ने दैनिक भास्कर को बताया, इंटरव्यू दिया कि हमने अपने खाना मंगवाया, इस आदमी ने इंटरनेशनल अखबार जो इंडिया का एक नंबर पे अखबार आता है उसको भी इसने फर्जी बता दिया, बेहतर लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं उनको भी इसने फर्जी बता दिया, और मैंने जो वीडियो बनाया उसको भी इसने फर्जी बता दिया कि नहीं सरकार सही है। तो सरकार को हम गलत दोष कब दे रहे हैं, हमने तो दोष उनको दिया था जो क्वारंटाइन सेंटर पे खाना टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहा, खाने की तस्वीर भी मैंने साथ में ऐड की थी। इस आदमी ने पवन कुमार ने तो चैलेंज भी कर दिया कि वीडियो बना के देख फिर तेरा मैं क्या करता हूँ। तो भाई हमने वीडियो बना दिया, अब तू तेरे हिसाब से कर ले, और नीचे जो कमेंट है आप लोग बताना कि क्या आप लोग जो विदेश से आ रहे हैं आपकी नहीं आवाज़ उठानी चाहिए।
इसको बंद कर देना चाहिए, इन जैसे लोगों से हमें डर जाना चाहिए। आप हमें बताएं कमेंट करके कि इन लोगों का इलाज कैसे किया जाए। हम मैंने कानून की बढ़ाई करी है, आप लोगों की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। इन जैसे लोगों से हम डर जाएंगे तो कैसी पार पड़ेगी, आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे कोई गाली गलौज करता है, स्क्रीन शॉट के साथ में FIR होती है, 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। स्क्रीन शॉट मेरे पास में है, आज तक की वीडियो में इतनी बात करूँगा, मैं ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं समझता। तो बस साथियों, आज की जानकारी यही देनी थी कि ऐसे भक्त भी लोग होते हैं जो दूसरे की, अपने सरकार की बुराई सुनना ही पसंद नहीं करते। चाहे आप विदेशों से आने वाले मजदूर मरे तो मरे, आपको खाना मिले तो मिले, आपकी जांच हो तो हो, इन जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं कि बस हम जिसको चाहते हैं उसकी कोई बुराई ना करें, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पे हर इंसान को बोलने का हक है, अपने विचार बोलने का हक है। और अगर सोशल मीडिया पे गाली देते हैं तो उसका इलाज भी हो जाता है, जो आगे आने वाले समय पे हम कर भी देंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।